या 5,000 की वैल्यू हमारी या 5 लाख। अगर कथाओं को सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया तो 5,000 की कीमत समझ लो, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही काया वही मूर्ति है। तो ये माध्यम है कथाओं का तो बताने का, बाकी सुविधाता ने हमको भी एक मूर्ति के रूप में ही संसार में उतारा है। और यदि कथाओं का आश्रय किया और कथाओं का अनुसरण किया और अपने जीवन में उतारा, उधर में उतारने का अर्थ है कि जीवन में उतारा। कथाएं सुनने से कोई लाभ नहीं जब तक हम अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे, फिर कथाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए अब आपको ये निर्धारित करना है कि हमारी वैल्यू क्या है। तो जब महाराज वासुदेव अपने पुत्र को नंद गांव में बाबा नंद राय के घर पर छोड़कर आ जाते हैं और वहां से कन्या को लेकर वापिस मथुरा नगरी में आ जाते हैं, तो फिर वो कारागृह के दरवाजे स्वत बंद हो जाते हैं, पहरियों की नींद खुल जाती है और जब बच्ची के रोने की आवाज आती है तो वो जाकर महाराज कंस को सूचित करते हैं कि महाराज देवकी के सातवीं संतान ने जन्म ले लिया। जैसे ही कंस को यह पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आता है कि जिसका वर्षों से मुझे इंतजार था, आज मैं अपने ही काल को खत्म कर दूंगा। किंतु काल कभी किसी से खत्म नहीं हुआ और ना कोई कर सकता, क्योंकि ये समय चक्र है, विधि का विधान है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अभी हमारे इस कलयुग में एक बने थे कोई जिन्होंने काल को भी मेडियो में जकड़ा था। एक नगर है हमारे हरियाणा में सिरसा, वहां पर एक काल नाम का एक चौक बनाया था उन्होंने और वहां पर काल को मीडिया डाली थी, परंतु जब काल चक्र घूमा तो आज वो लंका तहस नहस हो गई, सभी जानते हैं। तो काल को कोई बंदे नहीं बना सकता, क्या रावण की औकात, क्या कंस की, रावण ने भी काल को बंदी बनाया था। परंतु समय चक्र जब आता है ना, बदलाव आता है। तो जैसे ही कंस आया, उस कन्या को उठाया मारने के लिए, तो योग माया थी मेरे गोविंद की, हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में जा पहुंची और फिर कहने लगे, रे दुष्ट पापी, तू जिसे मारना चाहता है वो तो पैदा हो चुका है, वो तेरा काल है और वो तो वृंदावन के नंद गांव में पल बढ़ रहा है और एक ना एक दिन वही तुझे मारेगा। अब तो कंस का शरीर पसीने पसीने हो गया कि ऐसे कैसे हुआ। इधर नंद बाबा के घर खुशियों का माहौल है, सभी भक्त खुशियां मना रहे हैं और उनकी वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के भी पुत्र का जन्म हुआ। तो पहले रोहिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया था, फिर यहाँ पर देवकी को मेरे कन्हैया ने जन्म लिया था, क्योंकि ये भी ये जो बलराम जी हैं, ये मेरे गोविंद के ही अंश अवतार है, शेष अवतार इन्हें कहा जाता है। ये राम अवतार में लक्ष्मण बनकर मेरे प्रभु श्री राम के सानिध्य में आए थे, तो इन्होंने कहा था कि मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया, तो एक बार मुझे भी आपका बड़ा भ्राता होने का सुख चाहिए, मैं भी आपका बड़ा भ्राता बनकर देखना चाहता हूँ। तो इसी अवतार में मेरे गोविंद ने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी कि पहले अपने शेष अवतार को भेजा और फिर स्वयं धरा लोक पर आए। इधर
खुशियां बना रहे हैं, तो वेदों भागवत में बहुत सुंदर श्लोक से माता रोहिणी की और यशोदा की और वहां पर नंद गोपियों की महिमा का वर्णन किया कि वो कितनी महाभाग्यशाली हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता वैचरत दिव्यवासा सत्कंठा भरण भूषिता। कि वो रोहिणी वो यशोदा वो नंद गोपियां बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस शुभ अवसर का लाभ उठा रहे हैं, अपने इष्ट की अपने देव की जन्म की खुशियां मना रहे हैं। ऐसे ऐसे